कंस्ट्रक्टर इज नॉट यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। वेलकम एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, नाउ लेट मी टेल यू, कंस्ट्रक्टर इज नॉट यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, कंस्ट्रक्टर से ऑब्जेक्ट नहीं बनता है ना। देयर इज अ मिसकंसेप्शन गोइंग ऑन दैट कंस्ट्रक्टर कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, बट कंस्ट्रक्टर डजंट यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, इट इज एक्चुअली अ न्यू कीवर्ड हु इज क्रिएटिंग अ ऑब्जेक्ट एंड एलोकेटिंग अ मेमोरी फॉर इट। तो फिर कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्या है, दिस इज व्हाट वी आर गोना टॉक अबाउट दिस इन दिस सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर का क्या यूज है, दैट इज व्हाट वी नीड टू डिस्कस। तो पहले, सबसे पहले कंस्ट्रक्टर क्या है। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है, एक सिंपल सी स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसको कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। अब इसको रिटर्न टाइप क्यों नहीं होता वगैरह, इन सब चीजों के बारे में हम बात करने वाले। सो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, नथिंग एल्स, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच डजंट हैव रिटर्न टाइप। ओके, विच डजंट हैव रिटर्न टाइप, which doesn't have return type। ठीक है, इसका कोई भी return type नहीं होता है। ठीक है, तो constructor का इस्तेमाल फिर actual में किस चीज के लिए किया जाता है वो भी हम समझेंगे। ठीक है, तो constructor एक special method है जिसको कोई भी return type नहीं होता, जबकि हमने method के session में discuss किया था कि method को 5 components होते हैं। ठीक है, पहला component होता है access modifier, दूसरा होता है return type, तीसरा होता है मेथड का नाम, चौथा होता है लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स, और पांचवी चीज होती है बॉडी। ये चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, बट कंस्ट्रक्टर एक ऐसी मेथड है जिसको रिटर्न टाइप नहीं होता। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द एग्जिस्टिंग मेथड्स, जो एग्जिस्टिंग मेथड हम जावा में पढ़े थे उसको ये एक्सेप्शन है ये बंदा। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है, फिर इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट बनाने के लिए नहीं होता, इसका इस्तेमाल होता है टू इनिशियलाइज इंस्टेंस वेरिएबल ऑफ अ क्लास। इट इज यूज्ड to initialize instance variables of the class, instance variables of the class। ठीक है, क्लास के जितने भी इंस्टेंस वेरिएबल्स होते हैं उनको इनिशियलाइज कराने के लिए कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिर आप बोलोगे और कोई ऑप्शन नहीं है क्या कंस्ट्रक्टर के अलावा इंस्टेंस वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के लिए। यस, देर आर ऑप्शंस। ठीक है, तो उन ऑप्शंस के भी बारे में बात करेंगे। ठीक है, और कंस्ट्रक्टर कैसे बेस्ट ऑप्शन है उसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर क्या है, एक सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड है जिसको कोई रिटर्न टाइप नहीं होता, इसीलिए मैं इसको स्पेशल टाइप ऑफ मेथड कह रहा हूं। ठीक है, दूसरा इसमें रूल होता है कि कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली सेम एज क्लास नेम होता है, कंस्ट्रक्टर नेम इज एग्जैक्टली सेम एज क्लास नेम, तो वो भी हम यहां पे मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर नेम इज एग्जैक्टली सेम एज व्हाट, क्लास नेम। ठीक है, क्लास का नाम और कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली सेम होता है। ठीक है, अगर आपने उसमें 19-20 कर दिया, मतलब कैपिटल स्मॉल की भी मिस्टेक कर दी, तो तुरंत जावा कंपाइल टाइम एरर दे देगा। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर का नाम और क्लास का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए, डिफरेंट आप नहीं लिख सकते। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप ऑफ मेथड है जिसका नाम सेम एज क्लास नेम होता है। दूसरी चीज, इसमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्टर लिखता कौन है, यह सबसे बड़ा सवाल है। ठीक है, हु राइट्स कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर दो बंदे लिख सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्टर दो बंदे लिख सकते हैं, कौन कौन, सबसे पहले लिख सकता है जावा कंपाइलर, कौन लिख सकता है, जावा कंपाइलर लिख सकता है, और दूसरा बंदा होता है प्रोग्रामर, मतलब हम लोग। ठीक है, हम लोग प्रोग्रामर है, पता है। ओके, तो प्रोग्रामर कैन राइट अ कंस्ट्रक्टर, अदरवाइज जावा कंपाइलर कैन राइट, दोनों में से कोई एक बंदा कंपाइलर लिख सकता है। बट लेट मी टेल यू, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रोग्रामर के लिखे कंस्ट्रक्टर की होती है। किसके कंस्ट्रक्टर की होती है, प्रोग्रामर के लिखे हुए कंस्ट्रक्टर की होती है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। ठीक है, मतलब अगर प्रोग्रामर कंस्ट्रक्टर लिखेगा तो जावा कंपाइलर
नहीं लिखेगा। सिंपल, मतलब अब तक हमने जितने भी क्लासेस देखे थे ना, उन सारे क्लासेस के अंदर कंस्ट्रक्टर प्रेजेंट था। ठीक है, जितने भी हमने क्लासेस अब तक बनाए हैं जावा के अंदर प्रोग्रामिंग सीखते टाइम, उन सब क्लासेस के अंदर कंपाइलर सॉरी कंस्ट्रक्टर मौजूद था, प्रेजेंट था, और वो हमने लिखा नहीं था, उसको किसने इंजेक्ट किया था? जावा कंपाइलर ने इंजेक्ट किया हुआ था। मतलब मैंने क्लास लिखा यहाँ पे पब्लिक क्लास टेस्ट, ऐसे लिख दिया मैंने। ठीक है, अब ये जो क्लास मैं कंपाइल करूंगा ना, इसको जब मैं कंपाइल करूंगा तो अल्टीमेटली जावा यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट कर देगा, तो हमारा क्लास कुछ इस तरह से हमें दिखाई देगा। देखो, पब्लिक क्लास टेस्ट, और यहाँ पे रहेगा पब्लिक पब्लिक टेस्ट टेस्ट राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, ऐसे हम मेथड लिखते हैं। अब जैसे मैंने कहा कि मेथड में पांच कंपोनेंट्स होते हैं, दिस इज व्हाट वी हैव सीन। इसमें से पहला कंपोनेंट एक्सेस मॉडिफायर हो गया, दूसरा कंपोनेंट रिटर्न टाइप विच इज मिसिंग हियर। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर में कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। तीसरी चीज मेथड का नाम जो कि प्रेजेंट है, और चौथी चीज लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट जो हमने अभी नहीं लिखे है, और पांचवी चीज बॉडी, ये पांचवी चीज भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दी। सो पांच चीजों में से एक चीज मिसिंग है, एंड दैट इज रिटर्न टाइप। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर को कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है। बड़ा सिंपल है, यहां तक समझ गए सब लोग? ओके, तो एक्सेस मॉडिफायर मैंने लिख दिया पब्लिक। अब ये जो कंस्ट्रक्टर लिखा है, ये लिखा जावा कंपाइलर ने। किसने लिखा? जावा कंपाइलर ने। तो दिस इज द बाय डिफॉल्ट सिंटैक्स विच जावा कंपाइलर यूजेस व्हाइल राइटिंग द कंस्ट्रक्टर। ठीक है, इसीलिए मैं इसको कहता हूं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, क्योंकि ये किसने लिखा? जावा कंपाइलर ने। कैसे लिखा? पब्लिक लिख दिया एक्सेस मॉडिफायर, फिर जो क्लास का नाम था वही नाम दे दिया, राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज, कोई पैरामीटर नहीं लिए, और सीधा बॉडी लिख दिया, ब्लैंक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर बना दिया। ठीक है, सो दिस इज व्हाट हैपेंस वंस यू कंपाइल योर प्रोग्राम। फिर आप जब रन करोगे आपके प्रोग्राम को, है ना, तो आप देखो ऑब्जेक्ट बना सकते हो। क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट बना सकते हो। कैसे बना सकते हो ऑब्जेक्ट? देखो, टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ऐसा हम लिखते हैं बराबर ऑब्जेक्ट बनाते टाइम। ठीक है, सेमी कोलन यहाँ पे, इसको मिटा देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया टेस्ट और ये सेमी कोलन। तो इस तरह से हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट, बराबर। अब ऑब्जेक्ट बनाते टाइम मैंने कहा था कि ये चीज हमारी ऑब्जेक्ट है, ये चीज क्या हमारी ऑब्जेक्ट है, और ये जो बंदा है ये है रेफरेंस वेरिएबल। ये क्या है? रेफरेंस वेरिएबल। कुछ लोग इसी को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, बट दिस इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, दिस इज रेफरेंस वेरिएबल टू द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है? ये पूरा बंदा है यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखो तो इसमें भी दो चीजें हैं। अगेन, पहली चीज है न्यू कीवर्ड, और दूसरी चीज यहाँ पे क्या मिल रही है? कंस्ट्रक्टर। क्या मिल रहा है यहाँ पे? कंस्ट्रक्टर। तो ये चीज हमने क्या की है? कंस्ट्रक्टर कॉल किया है। क्या किया है हमने? कंस्ट्रक्टर कॉल किया हुआ है। अब मुझे एक सिंपल सी चीज बताओ, कोई भी चीज आप तभी कॉल कर सकते हो ना जब वो प्रेजेंट है। बिना प्रेजेंट रहे आप उसको कॉल कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है। तो ये चीज प्रेजेंट थी हमारे प्रोग्राम के अंदर, इसीलिए हम इस तरह से ऑब्जेक्ट बना पा रहे थे। राइट और रॉन्ग? अगर ये चीज प्रेजेंट होती ही नहीं तो क्या हम ऑब्जेक्ट बना सकते थे? नहीं। मतलब हमने जितने भी क्लासेस अब तक लिखे, उन सारे क्लासेस में जावा कंपाइलर ने कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट किया हुआ था, बट हमें दिखाई दे रहा था क्या? नहीं दिखाई दे रहा था। मतलब बाय डिफॉल्ट ऑल कॉन्क्रीट क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर, बाय डिफॉल्ट ऑल कॉन्क्रीट क्लासेस हैव कंस्ट्रक्टर, अनलेस एंड अंटिल जावा प्रोग्रामर इज राइटिंग इट। जब तक जावा प्रोग्रामर नहीं लिखता तब तक कंपाइलर हर कॉन्क्रीट क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर को इंजेक्ट करता जाएगा। सिंपल है, यहां तक समझ गए सब लोग? सिंपल। तो यहां तक हमने देखा कि जावा कंपाइलर कैसा कंस्ट्रक्टर लिखता है और वो कैसे लिखता है कंपाइल करने के बाद में। ठीक है, बट अगर प्रोग्रामर चाहे तो प्रोग्रामर भी अपना कंस्ट्रक्टर क्लास के अंदर लिख सकता है। कैसे? ध्यान से देखो, तो जो काम अब तक जावा कंपाइलर कर रहा था वही हमें करना है बींग प्रोग्रामर। तो मैं यहां क्लास बनाते टाइम ऐसे बनाऊंगा, पब्लिक क्लास, ये बना दिया टेस्ट। ठीक है, बन गया क्लास। अब इसके अंदर हमें बनानी है एक मेथड,
जिसको कोई रिटर्न टाइप नहीं देना है और जिसका नाम हमें क्या रखना है, सेम एज क्लास नेम रख देना है, सेम एज क्लास नेम रख देना है। बन गई मेथड, मेथड बनाना हमको आता है अभी, ठीक है। तो ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर, क्या बन गया, कंस्ट्रक्टर। अब आप बोलोगे कि ये जो कंस्ट्रक्टर बनाया है ये तो कंपाइलर ने नहीं लिखा, मैंने बीइंग प्रोग्रामर लिखा, तो कंपाइलर भी अपना कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट करेगा क्या? आंसर है नहीं करेगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके कंपाइलर की है, कंस्ट्रक्टर की है, प्रोग्रामर के कंस्ट्रक्टर की है। तो यहां पे जावा अपना कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट नहीं करेगा, इसलिए इस कंस्ट्रक्टर को मैं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं बोल सकता, इसको कहेंगे नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर है ये? नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर है ये। क्यों नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर बोल रहा हूं मैं इसको? क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर कोई भी आर्ग्यूमेंट यहां पे नहीं ले रहा है, या फिर इसको लोग जीरो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर भी कहते हैं। अब देयर इज अ डिबेट गोइंग ऑन कि दो टाइप के कंस्ट्रक्टर है या तीन टाइप के कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, बट डिबेट में नहीं पढ़ना है। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर। पहला डिफॉल्ट, जो किसने इंजेक्ट किया, जावा कंपाइलर ने इंजेक्ट किया। दूसरा कंस्ट्रक्टर है नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। तो अब तक हमने दो टाइप देखे कंस्ट्रक्टर के, पहला कौन सा? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। और दूसरा टाइप हमने क्या देखा अभी अभी, दैट इज नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ऐसी आपके पास में तीसरे टाइप का भी कंस्ट्रक्टर होता है, एंड दैट इज पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कौन सा कंस्ट्रक्टर? पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। बड़ा आसान है, याद रख, समझ गए सब लोग? तो कंस्ट्रक्टर के जनरली पढ़ गए तीन टाइप, कौन से? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। उसमें से डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन लिख रहा है? जावा कंपाइलर लिख रहा है, ठीक है। और नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन लिख रहा है? प्रोग्रामर लिख रहा है। यहां तक समझ गए? सिंपल है, ठीक है। तो ये हो गई कंस्ट्रक्टर के बेसिक डेफिनेशन और उसके तीन बेसिक टाइप्स, ठीक है। तो चलो यही चीज फटाफट प्रोग्राम में करके देखते हैं, ताकि हमें और अच्छे से आइडिया आ जाए, ठीक है। तो यहां पे मैं एक बना लेता हूं प्रोजेक्ट सिंपली। सो आई एम जस्ट क्रिएटिंग वन प्रोजेक्ट हियर, न्यू जावा प्रोजेक्ट, सिंपल बना लेते हैं। और इस प्रोजेक्ट का कुछ भी नाम दे दो, जैसे मैं देता हूँ कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है। यहाँ पे 1.8 आपको सिलेक्ट करना है, अगर 14, 15 कुछ तो भी ले लोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, बिकॉज वी आर लर्निंग 1.8 वर्जन ऑफ जावा, ठीक है। ये बन गया मेरा जावा प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे मैं बना देता हूँ एक सिंपल सा एम्प्लॉय क्लास। कौन सा क्लास? एम्प्लॉय क्लास बना देते, बन गया। अब ये जो हमारा क्लास है ये एक्चुअली डिफॉल्ट पैकेज में बना है ना, तो इसको मैं डिलीट करता हूं अभी के लिए, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड। तो न्यू में आते हैं, क्लास, यहां पैकेज मेंशन कर देता हूं, कॉम डॉट टेस्टिंग शास्त्र, और यहां पे क्लास बना लेते हैं कंस्ट्रक्टर डेमो। इसको करते फिनिश, तो ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर डेमो नाम का क्लास, ठीक है। ओके, अब ये जो क्लास बना है इसका अगर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहां पे देखो टेस्ट नाम का क्लास बना लेते हैं, और इस क्लास में अगर मैं कंस्ट्रक्टर डेमो को ऑब्जेक्ट बनाऊं तो हैप्पीली मैं बना सकता हूं। देखो कंस्ट्रक्टर डेमो डी इज इक्वल टू न्यू कंस्ट्रक्टर डेमो, ठीक है, ये बन गया। इस लाइन पे कोई एरर नहीं है, इसका मतलब क्या, यहां पर ये चीज ऑब्जेक्ट है और ये हमने क्या कॉल किया, कंस्ट्रक्टर कॉल किया, बट इस क्लास में हमने कोई भी कंस्ट्रक्टर लिखा हुआ है क्या? नहीं लिखा है। अगर मैंने कंस्ट्रक्टर लिखा ही नहीं तो मैं उसको कॉल कैसे कर पा रहा हूं? बिकॉज जावा कंपाइलर हैज इंजेक्टेड द कंस्ट्रक्टर। समझ गए यहां तक सब लोग? सिंपल, इसीलिए इस लाइन पे मुझे कोई भी एरर नहीं आ रही है। गॉट इट? देखो ऑब्जेक्ट बनाने के और चार तरीके, ठीक है, ओनली ये कंस्ट्रक्टर वाला तरीका नहीं है, और भी चार तरीके हैं जिससे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो, बट यहां कंस्ट्रक्टर एक्चुअल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम में नहीं आ रहा है, इट इज यूज्ड टू
इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, दोनों में बड़ा अंतर है, ठीक है। इट इज यूज टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम में नहीं आ रहा है। इट इज नॉट यूज टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के काम में नहीं आ रहा है, ये किस काम में आ रहा है, इनिशियलाइज करने के काम में आ रहा है। दोनों में फर्क है, कैसे मैं समझाऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। बट यहां पे ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के काम में आ रहा है, कंस्ट्रक्ट करने के काम में नहीं आ रहा है। तो ये बन गया हमारा कंस्ट्रक्टर डेमो नाम का क्लास। अभी इस क्लास को मैं थोड़ा चेंज करके बनाता हूं एम्प्लॉय, ठीक है। आई विल सिंपली गो हियर एंड रीनेम द फाइल। ये बन गया मेरा एम्प्लॉय नाम का क्लास, ठीक है। अब इस क्लास में अगर मैं चाहूं तो मैं भी कंस्ट्रक्टर लिख सकता हूं। कैसे लिखेंगे, पब्लिक एम्प्लॉय राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज और यहां पे कर्ली ब्रैकेट्स, समझ गए यहां तक। तो ये बन गया मेरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो मैं इसको कहूंगा नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। क्या कहेंगे इसको, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। अब ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जब मैं यहाँ पे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, लेट से मैंने बनाया एम्प्लॉय आकाश इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, बन गया न्यू एम्प्लॉय। तो यहाँ पे जावा ने कंस्ट्रक्टर इंजेक्ट नहीं किया क्योंकि प्रोग्रामर ने लिखा हुआ है, इसलिए प्रोग्रामर का लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। किसका कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, प्रोग्रामर का लिखा हुआ कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो यहां रन करके देखते हैं इसको फटाफट और ओके करते हैं। एंड कैन यू सी हियर, जो मैंने स्टेटमेंट लिखा था कंस्ट्रक्टर के अंदर वो यहां पर प्रिंट होके आ चुका है, मतलब मेरा वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो गया है। यहां तक समझ गए सब लोग, ओके। तो ये हो गया नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर। ऐसे मैं यहाँ पे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर भी बना सकता हूँ। कैसे, देखो ध्यान से समझो, मैंने यहाँ इंस्टेंस वेरिएबल बनाया है। इंस्टेंस वेरिएबल में मैं लिखता हूँ इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, फिर स्ट्रिंग एम्प्लॉय नेम, ये मैंने लिख दिया, और डिपार्टमेंट भी होता है एम्प्लॉय को, बराबर। तो यहाँ लिख देंगे स्ट्रिंग ईएमपी डिपार्टमेंट, ये मैंने तीन पैरामीटर्स लिख दिए, ठीक है। हालांकि उसको सैलरी भी रहेगा, बिना सैलरी वाला एम्प्लॉय नहीं होता, ठीक है। तो इसको फ्लोट सैलरी भी रहेगा। तो समझो इन सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को अगर मुझे इनिशियलाइज करना है, जैसे मैंने कहा था, है कि नहीं, इन सारे इंस्टेंस वेरिएबल्स को अगर मुझे इनिशियलाइज करना है तो आई हैव टू ऑप्शंस। मेरे पास कितने ऑप्शंस है, दो ऑप्शंस है, और वो दो ऑप्शंस कौन से वो समझेंगे, और उसमें से कंस्ट्रक्टर कैसे बेस्ट चॉइस है वो भी समझेंगे हम, ठीक है। बट यहाँ पे अभी मैं कंस्ट्रक्टर को अगर पैरामीटराइज कर दूं, पैरामीटराइज मतलब सामने से प्रोग्रामर को वो पूछेगा कि एम्प्लॉय आईडी बताओ, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी बताओ, फिर वो आगे से मांग सकता है एम्प्लॉय नेम, क्या मांगेगा, ईएमपी नेम मांग सकता है, फिर यहाँ पे वो मांग सकता है ईएमपी डिपार्टमेंट, और फिर यहाँ पे फ्लोट सैलरी। तो ये सारी डिटेल्स मांगी जाएंगी कब, जब ऑब्जेक्ट बनाना रहेगा तब। तो ऑब्जेक्ट बनाते टाइम सामने वाले बंदे को हम ये सारी इंफॉर्मेशन पूछेंगे क्योंकि आपको एम्प्लॉय का क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, बराबर। तो यहां मुझे एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैंने सामने वाले बंदे से इतनी डिटेल्स मांगी, ये डिटेल्स मांगने के बाद एक एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये अगर मैं यहां पे ध्यान से देखूं तो इधर लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है, बराबर, ये सारे क्या है, लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। इसीलिए मैं इस कंस्ट्रक्टर को क्या कहूंगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, क्या कहूंगा, पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। कितना आसान है, ठीक है, नहीं, क्यों, क्योंकि ये पैरामीटर ले रहा है, क्योंकि ये पैरामीटर्स ले रहा है, इसीलिए इसको कहेंगे पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। यहां तक सब लोग समझ गए, ओके। तो व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, वेरी गुड, अ स्पेशल टाइप ऑफ मेथड विच डजंट हैव रिटर्न टाइप एंड इट्स नेम इज एग्जैक्टली सेम एज क्लास नेम, वेरी गुड। दूसरा, कितने टाइप्स होते हैं कंस्ट्रक्टर के, थ्री टाइप्स, कौन से, वेरी गुड, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर एंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है। नो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कौन लिखता है,
जावा कंपाइलर लिखेगा, ठीक है। और नो आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्टर और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कौन लिखेगा? प्रोग्रामर लिखेगा। यहां तक समझ गए सब लोग? परफेक्ट। देखो अब जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल क्यों होता है, ये लोगों में बड़ा डिबेट सा चल रहा है। कुछ लोग बोलते हैं कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए होता है, जबकि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए नहीं होता है। कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए होता है। फिर आप बोलोगे क्या इनिशियलाइज करना, मतलब क्या है ना, कैसे करेंगे, तो वो चीजें समझते हैं, ठीक है, ओके। तो इस क्लास में मेरे पास है चार इंस्टेंस वेरिएबल्स। जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा इस क्लास का तो कुछ इस तरह से बनाऊंगा। देखो एम्प्लॉई आकाश इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, बराबर। अब ये चीज हमको पता है कि जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी भी क्लास का तो उसके सारे इंस्टेंस वेरिएबल उसके अंदर लोड हो जाते हैं। तो यहां जो आकाश बना हीप मेमोरी के अंदर, कहां बना आकाश? हीप मेमोरी के अंदर। इस आकाश इंस्टेंस, इस आकाश ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या है? एएमपी आईडी है, वेरी गुड। फिर क्या है? ईएमपी नेम है। और क्या चीज है? एम्प्लॉई डिपार्टमेंट है, ठीक है। और क्या है? सैलरी है। समझ गए? बट इनको कोई भी वैल्यू हमने असाइन की है क्या? मतलब वो इनिशियलाइज्ड है क्या? नहीं है। मतलब हमारा पूरा ऑब्जेक्ट अनइनिशियलाइज्ड है, एग्रीड। हमारा पूरा ऑब्जेक्ट जो है वो अनइनिशियलाइज्ड है। अब हमको पता है कि इंटीजर का डिफॉल्ट क्या होता है? जीरो। तो यहां पे क्या आ जाएगा? जीरो। अब स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं और ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट होता है नल। ऑब्जेक्ट का डिफॉल्ट क्या होता है? नल। तो यहां हो गए सारे नल। अब ये जो फ्लोट है इसका डिफॉल्ट होता है 0.0, ठीक है। तो यहां पे सैलरी क्या हो गई? 0.0। मतलब कोई भी इंस्टेंस वेरिएबल इनिशियलाइज हुआ क्या? नहीं हुआ। यहां तक समझ गए? ओके। तो अब जैसे मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टर का इस्तेमाल इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। इसी का मतलब मैं इस पूरी टर्म को जनरलाइज करके बोल रहा हूं। कैसे? कि वी कैन यूज कंस्ट्रक्टर टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, क्लास के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए यूज कर सकता हूं। तो ऑब्वियसली सवाल आएगा कि कंस्ट्रक्टर के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? तो यस, देयर इज एन ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है? इंस्टेंस ब्लॉक। कौन सा ऑप्शन है? इंस्टेंस ब्लॉक। मतलब अगर मैं इस क्लास में लिख दूं एक इंस्टेंस ब्लॉक, ठीक है, और यहां पर इन सबको इनिशियलाइज कर दूं। इमेजिन करो, यहां पर अगर मैं इन सबको इनिशियलाइज करता हूं कुछ इस तरह से, emp id is equal to 01 या फिर 1 समथिंग कुछ, तभी मैंने यहां पे लिखा 1 1 2 3 मैं लिख देता हूं, ठीक है, ये हो गया मेरा। फिर मैंने लिखा एम्प्लॉई नेम, ये भी मैं लिख देता हूं कुछ तभी, लेट्स से डबल कोट्स में मैंने लिखा आकाश, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर लिख दिया आकाश। फिर मैंने लिखा एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट मैंने लिखा डेवलपमेंट, ठीक है, बिकॉज ये डेवलपर है आकाश, तो ये जाएगा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। फिर मैंने सैलरी लिखा, कितना लिखे बताओ आकाश को सैलरी, ठीक है, आकाश को सैलरी कितना लिखते हैं? 1 लाख लिख देते मंथ का, है ना, इतना तो कमाई लेगा आकाश, ठीक है। तो यहां पे हम लिखेंगे 1 लाख, ठीक है, सेमी कोलन, दैट्स इट। तो ये बन गया हमारा एक इंस्टेंस ब्लॉक। अब हम ये चीज ऑलरेडी पढ़ चुके कि जब जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब तब इंस्टेंस ब्लॉक रन हो जाता है, बराबर। हम क्या पढ़े? जब जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब तब इंस्टेंस ब्लॉक रन हो जाएगा। तो देखो यहां, जब यहां हम एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे, इधर एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट बनाएंगे समझो, ठीक है, तो मैंने बनाया यहां एम्प्लॉई आकाश, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं अभी, इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, ऐसे मैंने बना दिया। अब ये जब मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तुरंत इंस्टेंस ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यहां जो मेमोरी में आकाश नाम का ये बनेगा ना ऑब्जेक्ट, ठीक है,
यहां पे जो आकाश नाम का ऑब्जेक्ट बनाएगा बनेगा उसके अंदर सारी वैल्यूज बराबर से सेट हो जाएंगी। कौन सी वैल्यूज? जो हमने इंस्टेंस ब्लॉक में लिखी हुई है। मतलब यहाँ पे ईएमपी आईडी क्या जाएगा? वेरी गुड। फिर यहाँ पे ईएमपी नेम क्या जाएगा? वेरी गुड, आकाश चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट क्या जाएगा? क्या जाएगा एम्प्लॉय डिपार्टमेंट? डेवलपमेंट चला जाएगा। ठीक है, डेवलपमेंट चला गया और एम्प्लॉय की सैलरी कितनी चली जाएगी? 1 लाख। समझ गए यहां तक? ये बन गया हमारा ऑब्जेक्ट विथ ऑल इंस्टेंस वेरिएबल्स इनिशियलाइज्ड। मतलब मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज्ड है। आकाश ऑब्जेक्ट इज इनिशियलाइज्ड इन माय केस। यहां तक समझ गए? बट ध्यान से देखो अब क्या होगा। लेट से मैंने यहां पे बनाया ईएमपी निकिता, क्या बना दिया? एम्प्लॉय निकिता। एक दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया मैंने एम्प्लॉय टाइप का। ठीक है, मतलब लेट से निकिता मेरी कंपनी में ज्वाइन हुई, मैंने फटाक से क्या किया एम्प्लॉय टाइप क्लास को इस्तेमाल करके निकिता का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब निकिता ऑब्जेक्ट जब यहां पे बनेगा तो उसके अंदर बताओ क्या क्या जाएगा? सेम डिटेल्स आएंगी, एम्प्लॉय आईडी 1 2 3, एम्प्लॉय नेम आकाश, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट डेवलपमेंट, सैलरी निकिता की 1 लाख। सबको 1 लाख बांटूंगा तो कंपनी बंद। समझ गए यहां तक? तो अल्टीमेटली इंस्टेंस ब्लॉक से नुकसान क्या हो रहा है? सारे ऑब्जेक्ट्स के वेरिएबल्स सेम 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 वैल्यू से इनिशियलाइज हो रहे हैं। मतलब कंस्ट्रक्टर का ही इस्तेमाल करके आप इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हो, ऐसा है क्या? नहीं है। हम इंस्टेंस ब्लॉक की मदद से भी ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कर सकते हैं, बट ये इंस्टेंस ब्लॉक वाला तरीका फ्लॉप है। समझ गए? ये इंस्टेंस ब्लॉक वाला तरीका फ्लॉप है, इसका इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। तो बेस्ट चॉइस क्या बचती पता है? कंस्ट्रक्टर। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर को आप कर सकते हो पैरामीटराइज्ड। यहां तक समझ गए? चलो इसी चीज को प्रैक्टिकल से समझते हैं अभी। ठीक है, जो हमने यहां पे देखा, देखो सबसे पहले मैं बनाऊंगा इधर इंस्टेंस ब्लॉक। ठीक है, और वही प्रॉब्लम हम फिर से डिस्कस करेंगे जो थियोरेटिकली डिस्कस किया था। तो मैंने बना दिया इंस्टेंस ब्लॉक, यहां पे लिखा emp id इज इक्वल टू 1 2 3, फिर यहां लिखा मैंने emp नेम इज इक्वल टू लेट से आकाश। ठीक है, फिर लिखा emp डिपार्टमेंट इज इक्वल्स टू डेवलपमेंट, और फिर सैलरी इज इक्वल टू लिख दिया मैंने 1 लाख। यहां तक समझ गए सब लोग? ओके, तो चलो यहां पे टेस्ट क्लास में मैं आ गया, आकाश नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया। सेम मैं यहां पे बनाता हूं एम्प्लॉई निकिता इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉई, ये मैंने बना दिए। ठीक है, अब यहां पे दोनों का नाम प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो यहां लिखता हूं मैं आकाश डॉट नेम, एम्प्लॉई नेम प्रिंट करूंगा, और यहां से प्रिंट करेंगे निकिता का नाम। तो निकिता डॉट ईएमपी नेम यहां पे मैं प्रिंट करा देता हूं। गॉट इट? चलो अब रन करके देखते हैं इस प्रोग्राम को। ये मैंने कर लिया रन इसको। तो यहां दोनों एम्प्लॉइज के नाम क्या आ गए? आकाश। कहानी समझ गए? तो इंस्टेंस ब्लॉक इज अ वर्स्ट चॉइस टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए इंस्टेंस ब्लॉक बहुत खराब तरीका है, तो इंस्टेंस ब्लॉक का इस्तेमाल नहीं करना है। तो बेस्ट चॉइस क्या है? कंस्ट्रक्टर। बेस्ट चॉइस क्या है? कंस्ट्रक्टर। वेरी गुड, तो यहां पे मैं लिखूंगा कंस्ट्रक्टर। तो इधर मैं लिख दूंगा एम्प्लॉई, बन गया कंस्ट्रक्टर। खाली इसी कंस्ट्रक्टर को हम करेंगे पैरामीटराइज। मतलब मैं यहां लिखूंगा आईडी, जो एम्प्लॉय का आईडी आएगा वो। ठीक है, दूसरी चीज मैं यहां लिखूंगा नेम, फिर मैं यहां लिखूंगा नेक्स्ट चीज डिपार्टमेंट और सैलरी फ्लोट सैलरी। तो ये सारे वेरिएबल्स में सामने वाला बंदा जो भी ऑब्जेक्ट बनाएगा वो सारी वैल्यूज पास करेगा कि नहीं? करनी पड़ेंगी कंपलसरी, क्योंकि हमने अभी भी देखा कि अगर प्रोग्रामर ने कंस्ट्रक्टर लिखा तो कंपाइलर नहीं लिख सकता।
इसीलिए जो भी सामने वाला बंदा मेरे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करेगा उसको यहाँ सारे पैरामीटर पास करने ही पड़ेंगे। समझ गए यहां तक? तो अल्टीमेटली इधर हम क्या पास करेंगे, एम्प्लॉय आईडी। तो मैंने पास कर दिया आईडी, फिर पास करेंगे नेम, फिर पास करेंगे डिपार्टमेंट का नाम, तो मैंने लिखा डेवलपमेंट, ठीक है। और फिर मुझे पास करना है सैलरी, तो समझो मैंने पास कर दिया 1 लाख सैलरी। समझ गए? ओके, अब 1 लाख में आप लास्ट में एफ लगाओ नहीं लगाओ डजंट मैटर, बट अभी के लिए लगा देंगे क्योंकि वो फ्लोट है उधर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं दूसरा एम्प्लॉय आईडी दूंगा, ऑब्वियसली मैं दूसरा एम्प्लॉय बना रहा हूं, तो मैंने यहाँ भी दे दिया 342, और फिर मैंने नाम लिखा निकिता और मैंने डिपार्टमेंट लिखा टेस्टिंग, ठीक है। और यहाँ पे सैलरी लिख देते हैं, सैलरी लिख देंगे लेट से 75,000, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मैंने बनाया दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, कितने, दो एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट, लेकिन उन ऑब्जेक्ट्स पे पूरा कंट्रोल मेरा है ना। आई कैन सेट द नेम, आई कैन सेट द एम्प्लॉय आईडी, आई कैन सेट द सैलरी, आई कैन सेट द डिपार्टमेंट, एंड दैट इज व्हाई पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इज मोर प्रेफर्ड वे देन इंस्टेंस ब्लॉक टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट। गॉट इट एवरीबॉडी? वेरी गुड, तो चलो इसको रन करके देखते एक बार। यहाँ पे दोनों चीजें क्या आ गई, नल नल आ गई, क्यों? क्योंकि हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ लिखा ही नहीं, ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर खाली छोड़ दिया, हमने खाली पैरामीटर की वैल्यू वहां से मंगवाई बट वो यहाँ के इंस्टेंस वेरिएबल में इनिशियलाइज नहीं कराई। तो चलो इनिशियलाइज करते हैं, ई एम पी आई डी इज इक्वल टू क्या करेंगे आई डी, फिर यहाँ पे लिखेंगे ई एम पी नेम इज इक्वल टू नेम, फिर यहाँ लिखेंगे एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डिपार्टमेंट, और यहाँ लिखेंगे सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। गॉट इट? परफेक्ट। तो अब इसको फिर से एक बार रन करते हैं एंड लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आ गया यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम आकाश एंड निखिल, अलग अलग आ रहा है अभी, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए अभी नाम डिपार्टमेंट सैलरी और एम्प्लॉय आईडी, ये चारों चीजें हम अलग अलग कर सकते हैं। यहां तक समझ गए? एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ कंस्ट्रक्टर। गॉट इट? ओके, तो यहां तक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है कंस्ट्रक्टर का डन हो गया है। कंस्ट्रक्टर तो हमने बना दिया, क्या होता है कंस्ट्रक्टर वो भी समझ लिया, इसका इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है ये भी हमने समझ लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे देखो, अगर मैं कंस्ट्रक्टर को अलग अलग एक्सेस मॉडिफायर लगाऊं, है ना, चार विजिबिलिटी के एक्सेस मॉडिफायर हमने पढ़े हैं, कौन से, पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड डिफॉल्ट, ये चार एक्सेस मॉडिफायर हमने डिस्कस किए थे। अगर इन चारों एक्सेस मॉडिफायर को हम अलग अलग टाइप से कंस्ट्रक्टर के साथ लगाते जाएंगे तो क्या असर पड़ेगा वो समझना है हमको, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं किसी कंस्ट्रक्टर को पब्लिक कर दूं, लेट से मैंने यहां पे क्लास लिखा पब्लिक क्लास टेस्ट, ठीक है, और यहां लिखा पब्लिक टेस्ट, मैंने इधर क्या लिख दिया पब्लिक टेस्ट, तो यहां पे पब्लिक में पूरा लिखता हूं पब्लिक टेस्ट लिख दिया और ये बन गया मेरा कंस्ट्रक्टर। तो अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट में पूरे प्रोजेक्ट में जहां चाहे वहां बना सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट में जहां चाहे वहां पे बना सकता हूं, कोई इशू नहीं है। दूसरी चीज, इस क्लास को कोई भी दूसरा क्लास इनहेरिट कर सकता है, मतलब इसके चाइल्ड बनाए जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कब? जब हम कंस्ट्रक्टर पब्लिक करेंगे तब। लेकिन मैंने पब्लिक निकाल दिया और यहां पे अगर लिख दिया प्राइवेट, क्या लिख दिया, अगर मैंने कंस्ट्रक्टर कर दिया प्राइवेट, है ना, तो इस केस में आप इस क्लास का बाहर कहीं ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते। तो समझो मैंने यहां बनाया क्लास पब्लिक क्लास सैंपल, ठीक है, पब्लिक क्लास सैंपल बनाया और यहां पे मैंने लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, ठीक है, और इधर लिख दिया स्ट्रिंग ए आर जी एस, जो भी हमारा फॉर्मेट है पूरा, ठीक है, और ये मेन मेथड के अंदर मैंने लिखा टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, ये मैंने कर दिया। तो तुरंत मुझे इस लाइन पे कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी, क्यों? क्योंकि हमको पता है
प्राइवेट मेथड क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होती, सेम रूल अप्लाइज ऑन प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर भी क्या है? मेथड है, स्पेशल टाइप ऑफ मेथड, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप यहां पर अगर कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करोगे तो क्लास के बाहर उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता। बट इसी सेम क्लास में अगर मैं लिखूंगा टेस्ट टी इज इक्वल टू न्यू टेस्ट, तो क्या मैं लिख सकता हूं? यस आई कैन राइट, है ना। मतलब इस क्लास का ऑब्जेक्ट इसी क्लास में आप बना सकते हो, बाहर कहीं नहीं बना सकते, समझ गए। दूसरा इंपैक्ट देखो क्या होगा। दूसरा इंपैक्ट ये होगा कि यहां अगर आप कंस्ट्रक्टर बनाते हो प्राइवेट, तो आप इधर इनहेरिटेंस भी नहीं करवा सकते। तो यहां अगर मैंने लिख दिया एक्सटेंड्स टेस्ट, ठीक है, तो तुरंत मुझे यहां पे एरर आने लग जाएगी, कंपाइल टाइम पे एरर आने लग जाएगी। इट विल से कि भाई एक्सटेंड नहीं कर सकते इसको, है ना। तो इसको कहते हैं साधु क्लास, ठीक है, साधु क्लास बन गया ये, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं बन सकता, है ना, इसने संसार त्याग दिया है, ठीक है, इसका कंस्ट्रक्टर बन गया है प्राइवेट। तो अल्टीमेटली आप यहां पर इसको एक्सटेंड नहीं करा सकते। तो आपको इंटरव्यू में बड़ा फेमस इंटरव्यू क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या आता है? व्हाट इफ आई मेक कंस्ट्रक्टर एज प्राइवेट, क्या होगा अगर मैं कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दूंगा, ठीक है। तो उस केस में आपको बताना है देयर विल बी टू इंपैक्ट्स ऑफ इट, दो इंपैक्ट्स हो जाएंगे। पहला इंपैक्ट, पूरे प्रोजेक्ट में उस क्लास का कहीं पर भी ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट किया जा सकता। दूसरा इंपैक्ट क्या हो गया, पूरे प्रोजेक्ट में कोई भी क्लास हमारे क्लास का चाइल्ड क्लास नहीं बन सकता, मतलब इनहेरिटेंस यहां पे नहीं किया जा सकता। यहां तक समझ गए इंपैक्ट? ओके, अब समझते हैं कि ऐसा क्यों है ना, इनहेरिटेंस क्यों नहीं किया जा सकता, क्यों इनहेरिटेंस करते टाइम एरर आ जाती है जब मैं प्राइवेट कंस्ट्रक्टर बना दूं। तो वो चीज समझते हैं। देखो हर कंस्ट्रक्टर में, जावा में जो भी कंस्ट्रक्टर आप लिखोगे, कोई सा भी ले लो, ठीक है, फिर वो डिफॉल्ट रहे, नो आर्ग्यूमेंट रहे, या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहे, डजंट मैटर, तीनों में से किसी भी टाइप के कंस्ट्रक्टर के अंदर बाय डिफॉल्ट पहली लाइन होती है कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, ठीक है। हर कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन क्या होगी? कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। सुपर क्लास मतलब पैरेंट क्लास, सुपर क्लास मतलब क्या? पैरेंट क्लास। अब जावा में बाय डिफॉल्ट सारे क्लासेस का पैरेंट कौन है? ऑब्जेक्ट क्लास है। कौन सा क्लास है? ऑब्जेक्ट क्लास है। तो जैसे मैंने कहा कि हर कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन क्या होगी? कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर, मतलब मेरा कंस्ट्रक्टर हमेशा पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा। आप लिखो नहीं लिखो डजंट मैटर, बाय डिफॉल्ट इट विल बी देयर, ठीक है। तो अगर समझो मैंने सिंपली एक क्लास लिखा, ठीक है, सिंपली एक क्लास लिख दिया, पब्लिक क्लास टेस्ट लिखा मैंने, तो इसको जब कंपाइल करूंगा ना तो एक्चुअली ये ऐसा लिखेगा, पब्लिक क्लास टेस्ट, और इसके अंदर आ जाएगा हमारा कौन सा कंस्ट्रक्टर? डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, यहां पे आ गया टेस्ट, ठीक है, और इसके अंदर जो पहली लाइन होगी ना वो होगी सुपर, सुपर राउंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। यहां तक समझ गए? सो दिस विल बी द फर्स्ट लाइन ऑफ योर कंस्ट्रक्टर। ऑल कंस्ट्रक्टर कोई सा भी रहने दो, डजंट मैटर, डिफॉल्ट रहने दो, नो आर्ग्यूमेंट रहने दो, या फिर पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहने दो, हर कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन क्या होगी बाय डिफॉल्ट? कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। आपने लिखा तो भी, नहीं लिखा तो भी, आपने लिखा तो जावा कंपाइलर नहीं लिखेगा, ठीक है, लेकिन आपने नहीं लिखा तो जावा कंपाइलर बाय डिफॉल्ट लिख देगा। और इस बंदे की वजह से इनहेरिटेंस कंसेप्ट का जन्म हो गया। कौन से कंसेप्ट का जन्म हो गया? इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या बोलता है? एक्सटेंडिंग फीचर्स ऑफ चाइल्ड विद द फीचर्स ऑफ पेरेंट, मतलब चाइल्ड के फीचर बढ़ाना किससे? पेरेंट के फीचर से। और ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? सुपर की वजह से।
तो सुपर नाम का कीवर्ड मिलता है हमें जावा में, जिसकी मदद से आप पेरेंट क्लास की कोई भी चीज कॉल कर सकते हो। कोई भी चीज मतलब क्या, हर क्लास में सिर्फ तीन ही चीजें होती है, और कुछ होता है क्या? नहीं होता है। कौन सी तीन चीजें होती है हर क्लास में? पहले होता है वेरिएबल्स, दूसरा होता है ब्लॉक्स, और तीसरा होता है मेथड्स। इन तीनों के अलावा कुछ नहीं मिलता। कंस्ट्रक्टर भी स्पेशल टाइप ऑफ मेथड ही है, ठीक है? तो किसी भी क्लास में सिर्फ तीन मेंबर्स हो सकते हैं, पहला वेरिएबल, दूसरा ब्लॉक और तीसरा मेथड्स। तो ये तीनों कंपोनेंट्स अगर आपको पेरेंट के कॉल करने हैं, तो उसके लिए जावा ने हमें कीवर्ड दिया है जिसका नाम क्या है? सुपर। और इस कीवर्ड की मदद से आप पेरेंट क्लास की कोई भी चीज कॉल कर सकते हो, जैसे कि वेरिएबल हो गया, मेथड हो गया, ब्लॉक कॉल ही नहीं किए जा सकते, ठीक है? बट तीसरी चीज यहां मिलती है आपको, कंस्ट्रक्टर। आप सुपर कीवर्ड की मदद से वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर, ये तीनों चीजें कॉल कर सकते हो, ठीक है? तो तीनों चीजें कॉल करने का सिंटैक्स क्या है मैं बता देता हूं, ठीक है? तो सुपर से अगर आपको वेरिएबल कॉल करना है, तो यहां लिखना पड़ेगा सुपर डॉट वेरिएबल का नाम, ठीक है? वेरिएबल का नाम लिख दो, दैट्स इट, सिंपल। अगर आपको मेथड कॉल करनी है, तो यहां लिखो सुपर डॉट मेथड का नाम, लेट्स से M1, और यहां सेमीकोलन देना भूलना नहीं है। समझ गए यहां तक? फिर अगर आपको कंस्ट्रक्टर कॉल करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा सुपर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज एंड सेमीकोलन, फिनिश। तो सुपर कीवर्ड की मदद से आप पेरेंट क्लास की कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो, जैसे कि वेरिएबल्स, मेथड्स और कंस्ट्रक्टर। तो समझो पेरेंट में पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर रहा, तो आपको यहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल करते टाइम पैरामीटर्स पास करने पड़ेंगे, लाइक दिस। समझ गए? सो सुपर कीवर्ड की मदद से आप पेरेंट क्लास की कोई भी चीज एक्सेस कर सकते हो, बट इसका रूल बोल दिया जावा ने, ठीक है? व्हाट इज द रूल? सुपर कीवर्ड का इस्तेमाल आप सिर्फ और सिर्फ इंस्टेंस ब्लॉक, इंस्टेंस मेथड या फिर कंस्ट्रक्टर के अंदर कर सकते हो। किसी भी स्टैटिक मेथड में या स्टैटिक ब्लॉक में इसको लिखा नहीं जा सकता, और लिखोगे तो तुरंत एरर आ जाएगी। समझ गए यहां तक सुपर की कहानी? ओके, थोड़ा रिवाइज करते हैं फिर से, ठीक है? तो हमने देखा कि हर कंस्ट्रक्टर की पहली लाइन क्या होती है, कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। किसको कॉल करो? सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करो, ये पहली लाइन होती है। अब यहां से हमको पता चला कि सुपर नाम का कीवर्ड भी है, सुपर नाम का कीवर्ड भी है, और इस सुपर नाम के कीवर्ड से आप क्या क्या कॉल कर सकते हो? वेरिएबल, मेथड्स, कंस्ट्रक्टर। समझ गए? वेरिएबल, मेथड और कंस्ट्रक्टर आप सुपर कीवर्ड की मदद से कॉल कर सकते हो, लेकिन किसके? पेरेंट के। अब इसी लाइन का इस्तेमाल हर कंस्ट्रक्टर में होता है बाय डिफॉल्ट, और इसीलिए जन्म हो गया कौन से कंसेप्ट का? इनहेरिटेंस का। क्यों? क्योंकि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर में मैंने पेरेंट का भी कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। अब पेरेंट का कंस्ट्रक्टर अगर चाइल्ड के अंदर कॉल किया, तो अल्टीमेटली पेरेंट के सारे फीचर चाइल्ड के अंदर आ गए, पेरेंट के सारे फीचर्स चाइल्ड के अंदर आ चुके हैं, और इसी को हम कहते हैं इनहेरिटेंस, जो कि हम आगे पढ़ने वाले, ठीक है? तो यहां पे यहां तक हमने डिस्कस किया कि सुपर कीवर्ड क्या है, ठीक है? अब ये सुपर जैसा ही आपको और एक कीवर्ड मिल जाता है, जिसका नाम है दिस कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड? दिस कीवर्ड। तो दिस कीवर्ड से क्या होता है, देखो। तो दिस कीवर्ड से आप करंट क्लास के किसी भी मेंबर को कॉल कर सकते हो। यू कैन कॉल एनी मेंबर ऑफ करंट क्लास। मेंबर मतलब फिर से वही वेरिएबल, मेथड्स या फिर कंस्ट्रक्टर, ठीक है? तो दिस कीवर्ड से मैं करंट क्लास के किसी भी मेंबर को बिना ऑब्जेक्ट बनाए कॉल कर सकता हूं। इसका भी वही रूल है जो सुपर का था, कि आप दिस कीवर्ड को इंस्टेंस मेथड में या इंस्टेंस ब्लॉक में ही इस्तेमाल कर सकते हो। स्टैटिक मेथड या स्टैटिक ब्लॉक में लिखोगे तो यू विल इमीडिएटली स्टार्ट गेटिंग एन एरर, ठीक है? वो हम करके देखेंगे। तो समझो मैंने यहां पे लिखा, लेट्स से इंटीजर आई इक्वल टू 10। अब समझो ये इंटीजर आई मेरे को एक्सेस करना है,
तो एक्सेस करते टाइम मैं कौन से कीवर्ड का इस्तेमाल कर सकता हूँ, दिस कीवर्ड का। तो मैं यहां ऐसे लिख सकता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन दिस डॉट आई, दैट्स इट, ये हैप्पीली वर्क हो जाएगा और यहां पे आई प्रिंट हो जाएगा। यहां तक समझ गए? सो दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस ऑफ करंट क्लास, वेर एज सुपर कीवर्ड रिप्रेजेंट्स इंस्टेंस ऑफ पैरेंट क्लास। इतना सिंपल है, समझ गए? तो आपको इंटरव्यू में बड़ा फेमस क्वेश्चन आता है कि टेल मी द डिफरेंस बिटवीन सुपर एंड दिस कीवर्ड, ठीक है? तो क्या बताएंगे आप? सुपर कीवर्ड रिप्रेजेंट्स द इंस्टेंस ऑफ पैरेंट क्लास, दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट्स इंस्टेंस ऑफ करंट क्लास। सुपर कीवर्ड से आप पैरेंट क्लास की मेथड को, वेरिएबल को या कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। दिस कीवर्ड की मदद से आप करंट क्लास की मेथड को, वेरिएबल को या कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकते हो। बोथ सुपर एंड दिस कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट मतलब स्टैटिक मेथड या फिर स्टैटिक ब्लॉक, इनमें सुपर और दिस का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। यहां तक समझ गए? ओके, यही सब चीजें प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो हमें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, यहां पे मैंने बनाया एम्प्लॉय क्लास, ठीक है? अब यहां मैंने कोई भी सुपर लिखा है क्या? कीवर्ड नहीं लिखा हुआ है, ठीक है? तो ऑब्जर्व करना व्हाट हैपेंस इन दिस केस। मैं यहां लिखता हूं एम्प्लॉय आकाश इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ठीक है? कंट्रोल स्पेस करते हैं, आईडी दे देंगे 123, नेम दे देंगे आकाश, डिपार्टमेंट में लिखेंगे डेवलपमेंट और सैलरी 1 लाख, ठीक है? ओके, ये बन गया आकाश नाम का ऑब्जेक्ट हमारा। अब हमें क्या करना है? आकाश डॉट करना है खाली। जब डॉट करोगे तो यहाँ लिस्ट ऑफ मेथड्स और वेरिएबल्स आएंगी जो आकाश क्लास के अंदर है। आकाश क्लास की जितनी भी मेथड्स और वेरिएबल्स है वो सब लिस्ट डाउन हो जाएंगे। देखो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है आकाश क्लास में, मतलब एम्प्लॉय क्लास में है, एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय नेम है, सैलरी है, इक्वल्स है क्या? नहीं है। गेट क्लास है क्या? नहीं है। हैश कोड है? नहीं है। नोटिफाई है? नहीं है। नोटिफाई ऑल? नो। स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग? नहीं है। वेट 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 जो मेथड है ओवरलोडेड है यार। ये सब मेथड्स आकाश क्लास के अंदर है क्या? नहीं है। फिर भी हमें दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? बिकॉज दे बिलोंग्स टू द पैरेंट क्लास। पैरेंट क्लास कौन है? ऑब्जेक्ट। और ये पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? सुपर की वजह से, सुपर कीवर्ड की वजह से, ठीक है? इसीलिए हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि अगर मैंने क्लास का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट कर दिया तो उसका इनहेरिटेंस नहीं किया जा सकता। रीजन समझ गए क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि चाइल्ड क्लास क्या करेगा? पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने की कोशिश करेगा, जबकि पेरेंट का कंस्ट्रक्टर प्राइवेट है। पेरेंट का कंस्ट्रक्टर क्या है? प्राइवेट है। तो इस केस में तुरंत एरर आ जाएगी। तो यहां तक समझ गए? ऑब्जेक्ट क्लास की मेथड्स आकाश ऑब्जेक्ट में कैसी दिखाई दी? बिकॉज ऑफ इनहेरिटेंस। और इनहेरिटेंस किसकी वजह से हुआ? सुपर कीवर्ड की वजह से। सुपर कीवर्ड की मदद से हमने क्या कॉल कर लिया? पेरेंट का कंस्ट्रक्टर। तो आपको ना यही क्वेश्चन इंटरव्यू में और घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। उसमें पूछेंगे कि बताओ एक क्लास मैंने बनाया और मैं नहीं चाहता कि उसका चाइल्ड क्लास बने, तो क्या करोगे? ठीक है, तो उस केस में आपको क्या बताना है कि आई विल यूज प्राइवेट कंस्ट्रक्टर। समझ गए यहां तक? फिर इंटरव्यू और कंफ्यूज करेगा इसमें, ठीक है? अब अगर आपको इनहेरिटेंस रोकना है, ठीक है, अगर आपको इनहेरिटेंस रोकना है, इफ यू वांट टू स्टॉप इनहेरिटेंस, तो इनहेरिटेंस रोकने के लिए दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दो तो इनहेरिटेंस रुक जाएगा, बट कंस्ट्रक्टर प्राइवेट करना इज नॉट अ बेस्ट चॉइस। तो आपको दूसरा ऑप्शन भी मिलता है, ठीक है, क्लास को क्या बना दो? फाइनल बना दो। दैट इज मोर प्रेफर्ड वे।
बट वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अभी की केस में हमने क्या कर दिया, कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दिया, तो इससे इनहेरिटेंस रुक गया, मेरे क्लास को कोई भी इनहेरिट नहीं कर सकता। लेकिन साइड इफेक्ट क्या हो गया कि मेरे क्लास का कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, तो मेरा क्लास एज गुड एज यूजलेस हो गया, है कि नहीं। मैंने ऐसा क्लास बनाया जिसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूं, ऐसे क्लास का कुछ यूज नहीं होता पूरे प्रोजेक्ट में, ठीक है। तो ऐसे क्लासेस बनाने भी नहीं है आईटी में जाने के बाद में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम किसी भी क्लास के कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट नहीं लिखेंगे। सुपर की कहानी समझ गए सब लोग, ओके। दिस की कहानी, ओके। तो चलो इसको प्रैक्टिकली सुपर और दिस को और अच्छे से समझते हैं। तो मैंने कुछ रूल बनाया सुपर के और दिस के, बराबर। तो देखो मैं यहां पे टेस्ट क्लास को बना देता हूं, एक्सटेंड करवा देता हूं एम्प्लॉय क्लास से। तो एम्प्लॉय क्लास के सारे फीचर किसमें आ गए, टेस्ट क्लास में, ठीक है। बट यहां पे देखो ये बोल रहा है कि इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय इज अनडिफाइंड, मतलब एम्प्लॉय विथ नो आर्ग्यूमेंट, ऐसा कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो अल्टीमेटली इधर भी टेस्ट क्लास में कंस्ट्रक्टर बना होगा ना, पब्लिक क्लास, सॉरी पब्लिक टेस्ट नाम का कंस्ट्रक्टर बना होगा। और ये कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन क्या लिखी होगी, सुपर, कॉल टू सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। बट सुपर क्लास में ऐसा नो आर्ग्यूमेंट वाला कोई कंस्ट्रक्टर है क्या, नहीं है, इसलिए हमें यहाँ एक्सटेंड करते टाइम एरर आ रही है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, हमें यहाँ सुपर में पैरामीटर पास करने पड़े, समझ गए, ओके। बट ये कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं अभी के लिए इस क्लास को, मतलब ये कंस्ट्रक्टर को बिना पैरामीटर वाला बना देता हूँ, ठीक है। इसमें कोई पैरामीटर्स नहीं जाएंगे, आसान आसान करते चीजों को, ओके। ये भी हटा देते यहां से, ओके। तो देखो एम्प्लॉय क्लास में क्या क्या फीचर्स है वो मैं बता देता हूं। यहां पर है चार वेरिएबल्स और दो मेथड्स, कितनी मेथड्स, मतलब इस क्लास में टोटल फीचर कितने हैं, छह है, सिक्स। तो अगर मैं टेस्ट क्लास में यहां आ जाऊं, ठीक है, और यहां मैं समझो M3 मेथड बना लेता हूं पब्लिक। अब इस मेथड में अगर मैं इस्तेमाल करूं सुपर डॉट, तो देखो मुझे यहां यहां क्या क्या एक्सेस करने को मिल रहा है, एम्प्लॉई डिपार्टमेंट, एम्प्लॉई आईडी, एम्प्लॉई नेम और सैलरी। इसके बाद में यहां नीचे देखो M1 एंड M2, ये दोनों भी मुझे एक्सेस करने के लिए मिल रही है, एंड दैट इज द बेनिफिट ऑफ हैविंग सुपर कीवर्ड। मैंने ऑब्जेक्ट बनाया क्या, नहीं बनाया, डायरेक्टली मैंने चीजों को कॉल कर लिया है। मतलब अगर मैं यहां ऐसे लिखू, देखो यहां मैंने ऐसे लिखा EMP डिपार्टमेंट, ठीक है, तो इसकी जगह मैं यहां पे लिख सकता हूं सुपर डॉट EMP डिपार्टमेंट। तो सुपर क्लास की कोई भी चीज में यहां कॉल करा सकता हूं, ठीक है। लेकिन अगर ये मेथड स्टैटिक होती, देखो कौन सी मेथड, M3 मेथड स्टैटिक होती हमारी, तो देखो तुरंत यहां क्या हो गया, सुपर पे एरर आ चुकी है ना। लेट अस रीड द एरर, कैनॉट यूज सुपर इन स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, सुपर का इस्तेमाल स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया जा सकता, तो इट विल स्टार्ट गिविंग अस एन एरर, सिंपल, समझ गए, ओके। तो सुपर से कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करना है, सुपर कीवर्ड की मदद से कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करना है, तो वो हमेशा किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर के अंदर से ही होना चाहिए, मेथड से आप कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं कर सकते। मतलब समझो मैंने यहां M3 मेथड बनाई, एक M3 नाम की मेथड बनाई, ठीक है, और आप बोलोगे कि पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लो इधर से, मतलब एम्प्लॉय का, ठीक है, एम्प्लॉय E इज इक्वल टू, ऐसे लिख दो सुपर राउंड ब्रैकेट ओपन क्लोज लाइक दिस, है ना, ऑब्जेक्ट बनेगा ना, कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो यहां पर लिख दो न्यू, तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। बट ऐसा नहीं होने वाला, क्यों, क्योंकि सुपर कीवर्ड की मदद से कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करना है, तो वो किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर में से ही होना चाहिए, मतलब एक कंस्ट्रक्टर ही दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, जैसे लोहा लोहे को काटता है, ठीक है, वैसे ही एक कंस्ट्रक्टर ही कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता है, मेथड कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसीलिए यहां हमको एरर आ गई, बट यहां पे कोई एरर नहीं आई है, समझ गए यहां तक, देखो दोनों सेम सेम लिखता हूं सो दैट यू विल अंडरस्टैंड।
फिर वो स्टैटिक रहने दो, नॉन स्टैटिक रहने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंस्ट्रक्टर अगर आपको कॉल करना है तो किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर से ही कॉल करना पड़ेगा। इसीलिए इस कंस्ट्रक्टर से पैरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। समझ गए यहां तक? अब सेम गोज विद दिस कीवर्ड, सेम कंसेप्ट आपकी दिस कीवर्ड के साथ में भी है। समझो मैंने यहां M3 मेथड बनाई, यहां मैंने कुछ वेरिएबल बनाए इंट एक्स कॉमा वाई, ऐसे दो वेरिएबल्स बना दिए। अब इन वेरिएबल्स को अगर मुझे एक्सेस करना है तो मैं दिस कीवर्ड से भी कर सकता हूं। किसकी मदद से? तो दिस डॉट एक्स लिख दूंगा मैं, हो गया एक्सेस। या फिर मैं दिस डॉट वाई लिख सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और दिस की मदद से मैं कंस्ट्रक्टर को भी कॉल कर सकता हूं, लेकिन किसी और कंस्ट्रक्टर के अंदर से। तो समझो मैं यहां लिख देता हूं पब्लिक टेस्ट, बट यहां पे मुझे पैरामीटर अलग रखने पड़ेंगे, ठीक है। अब इस वाले कंस्ट्रक्टर से मैं ये पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूं। यहां पे मैं लिख दूंगा 45 समथिंग लाइक दिस। समझ गए? तो मैं एक कंस्ट्रक्टर से किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकता हूं, लेकिन सेम क्लास के, यूजिंग दिस कीवर्ड। गॉट इट? ओके। वैसे दिस कीवर्ड का इस्तेमाल स्टैटिक मेथड में नहीं किया जा सकता। देखो अगर मैंने मेथड को स्टैटिक बनाया, तुरंत एरर आने लग गई है मुझे। व्हाट इज द एरर? यहां तक समझ गए सब लोग? तो दिस कीवर्ड का इस्तेमाल स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में नहीं किया जा सकता। स्टैटिक का सुपर का भी इस्तेमाल स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट में आप नहीं कर सकते। यहां तक समझ गए? ओके, सो दैट इज इट फॉर द डे।